नमस्कार, सच कहूं न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए आज के मुख्य समाचार। मुलायम ने आज बेटे अखिलेश के साथ साझा किया मंच। शिपाल ने 8 दिन पहले नेताजी को बनाया था उम्मीदवार। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम आयुष्मान भारत का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ। योगी के गढ़ में छड़खानी करने वाले शोहदा का आतंक। गोरखपुर का इंटर कॉलेज हुआ बंद। राफेल पर जेटली की दो टुक, रद्द नहीं होगी डील। ओलांद राहुल की जुगलबंदी पर उठाए सवाल। ओडिशा के डे तूफान की वजह से दिल्ली यूपी समेत 8 राज्यों में हो सकती है तेज बारिश। और अब खबरें विस्तार से। एक तरफ शिवपाल यादव ने मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव को अपनी नई नवेली पार्टी समाजवादी सेक्युलर मोर्चे से प्रत्याशी घोषित किया, वहीं मुलायम आज बेटे अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में मंच साझा करते नजर आए। मुलायम के अखिलेश के साथ आने से शिवपाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अखिलेश लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ साइकिल यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जंतर मंतर पर आए हैं। साइकिल रैली के समापन साथ ही समाजवादी पार्टी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। खास बात यह है कि मुलायम सिंह यादव भाई के साथ नहीं बल्कि बेटे के साथ है। पिछले कुछ समय से समाजवादी परिवार में मनमुटाव की खबरें आती रही हैं। इस कार्यक्रम में पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ ही उनके पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा गोपाल यादव भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाली महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का लाभ देश के कुल 10 करोड़ परिवारों को मिलेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना का आंकलन भविष्य में मानवता की बहुत बड़ी सेवा के रूप में होना तय है। पूरे हिंदुस्तान का ध्यान रांची की धरती पर है। देश के 400 से अधिक जिलों में एक साथ ही हो रहा है। पीएम ने कहा कि आज़ादी के 70 साल में झारखंड में 3 मेडिकल कॉलेज और 350 विद्यार्थी थे, लेकिन 4 सालों में इसी राज्य में 8 मेडिकल कॉलेज और 1200 छात्र हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम कैसा किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गढ़ माने जाने वाले गोरखपुर में भी बदमाश खुलेआम अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। ताजा मामला इंटर कॉलेज में बदमाशों द्वारा की जाने वाली छेड़खानी का है, जिसके कारण कॉलेज को बंद करने का फैसला लिया गया है। दरअसल गोरखपुर के तिलौरा स्थित इंटर कॉलेज को बंद कर दिया गया है। ये फैसला कॉलेज प्रशासन ने शनिवार को लिया। साथ ही गेट पर ताला जड़ने के बाद यहाँ पर एक पोस्टर टांग दिया गया है, जिस पर लिखा गया है कि शोहदों और गुंडों की वजह से ये स्कूल बंद है। राफेल डील मामले में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किसी भी तरह के घोटाले के आरोप को नकारते हुए कहा कि इन आरोपों के बावजूद राफेल डील रद्द नहीं होगी। खबरों की माने तो वित्त मंत्री ने कहा है कि राफेल डील एक साफ सुथरा सौदा है, जिसे रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। जेटली ने आगे कहा कि जहां तक सवाल विमानों के कम या ज्यादा कीमतों का है, तो ये सारे आंकड़े नियंत्रक महालेख परीक्षक के सामने हैं। कांग्रेस भी कैग के पास गई है। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे। आपको बता दें, कैग आंकड़ों के मामले में विशेषज्ञ संस्था है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाई के कारण कई राज्यों की भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। शनिवार को इसकी शुरुआत के तौर पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हल्की बारिश हुई। इससे पहले तूफान दाई ओडिशा में तबाही मचा चुका है। ओडिशा के कई इलाकों में शुक्रवार को भारी बारिश के कारण भूस्खलन के मामले सामने आए हैं। इस दौरान निचले हिस्से में बसा मलकानगिरी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। भुवनेश्वर में मौसम विभाग के निदेशक HR बिस्वाहा ने बताया कि लगभग 150 लोग जो मलकानगिरी के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए थे, उन्हें बचा लिया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की 2 दिन की यात्रा के दौरान पहले दिन शनिवार को
87 करोड़ रुपए की लागत की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में लोगों के सामने सरकार का वादा दोहराया कि जल्द ही कोई भी परिवार राशन कार्ड से वंचित नहीं रह जाएगा। योगी ने कहा कि अत्योदय और पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड भी लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं। इस योजना में जो परिवार छूट गए हैं उनको भी जल्द ही राशन कार्ड मिल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर जो प्राथमिकताएं तय की गई थीं, उनको पूरा करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक एक आतंकी को ढेर कर दिया है। वही पत्थरबाज भी सुरक्षा बलों से भिड़ने की खबर है। साउथ कश्मीर के पुलवामा के त्राल के मीर मोहल्ला में ये मुठभेड़ हो रही है। जानकारी मिली है कि मुठभेड़ में अब तक एक आतंकवादी मारा गया है। वही आतंकियों को छुड़ाने के लिए प्रदर्शनकारी और सुरक्षा बलों में झड़प भी शुरू हो गई है। खबरों की माने तो त्राल के मीर मोहल्ले में दो आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाश शुरू कर दी है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हो रही है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर विदेश मंत्रालय की प्रस्तावित मुलाकात रद्द किए जाने से पाकिस्तान बौखला गया है, लिहाजा उसके प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री समेत अन्य बारी बारी से इस पर बयानबाजी कर रहे हैं। वो वार्ता और मुलाकात का राग अलाप रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बाद अब शनिवार को वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच शांति बहाली की पहल पर भारत की नकारात्मकता प्रतिक्रिया निराशाजनक है। इस दौरान इमरान खान ने प्रधानमंत्री मोदी पर बिना नाम लिए तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि शांति बहाली के लिए वार्ता की मेरी पहल पर भारत ने अहंकारी और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, जिससे मैं बेहद निराश हूँ। हालांकि मैं पूरी जिंदगी छोटे लोगों से मिला हूँ जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, लेकिन इनके पास दूरदर्शी सोच नहीं है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सच कहूँ न्यूज़ के साथ।